तो लंबे और घुंघराले बाल भला किसे पसंद नहीं है। ये आपके लुक को आकर्षक तो बनाते हैं लेकिन इन्हें मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कई बार कंघी करने के बाद भी घुंघराले बाल उलझे ही रहते हैं। अगर आप घुंघराले यानी कर्ली बालों से तंग आ गई हैं और सैलून जाने की सोच रही हैं यानी ब्यूटी पार्लर जाने की सोच रही हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप घर पर ही अपने बालों को स्ट्रेट यानी सीधा कर सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कप दूध में एक अंडा मिलाएं और इस पैक को ब्रश की मदद से अपने बालों में लगाएं। अब बालों को 1.5 घंटे तक इसी अवस्था में छोड़ दें और फिर एक माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। बालों के लिए नेक्स्ट टिप है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा स्किन के साथ साथ बालों की सेहत के लिए भी काफी गुणकारी है। आधा कप एलोवेरा को आधा कप नारियल के तेल के साथ मिक्स करके बालों में लगाने से बालों के कर्ल्स कुछ वक्त में ही गायब हो जाते हैं। बस इस पैक को लगाकर बालों को 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टिप है मुल्तानी मिट्टी। दोस्तों स्किन को सॉफ्ट बनाने के अलावा मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए भी फायदेमंद है। काफी सालों से इसका उपयोग शैम्पू की जगह बाल धोने के लिए किया जाता रहा है। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो इसमें भी यह फायदेमंद है। चलिए जान लेते हैं कर्ली बालों को स्ट्रेट करने के लिए नेक्स्ट टिप क्या है। दोस्तों इससे पहले मेरी आपसे एक अपील है कि अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो हमारा अगला टिप है कोकोनट मिल्क और कॉर्न स्टार्च पैक। कोकोनट मिल्क यानी नारियल के दूध के फायदे तो आप जानते ही होंगे लेकिन बालों के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन है। कोकोनट मिल्क को 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च मिक्स करें और एक ब्रश की मदद से बालों में लगाएं। 1 घंटे बाद शैम्पू कर लें। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने से कर्ली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। बालों के लिए नेक्स्ट और आज के इस वीडियो में हमारा फाइनल टिप है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट माना जाता है लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह बालों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसे बालों में लगाने से न सिर्फ गंदगी निकल जाती है बल्कि घुंघराले बाल भी सीधे हो जाते हैं। 3 चम्मच सेब के सिरके को 2 कप पानी में मिलाएं और बालों में लगाएं। इसके कुछ देर बाद शैम्पू से बाल धो लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से कर्ल्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आई होप कि दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।